भाई हम में से कई सारे लोग हैं जो रोमन रेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रोए सोलो सिकोआ ने उन पॉल हेमन को बुरी तरीके से मतलब कि परेशान कर रखा है। और डब्ल्यू की भी कुछ ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए कि जो रोमन रेंस वापसी करे और जब इनका रीयूनियन हो तब बिल्कुल भी वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। इनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और रोमन रेंस के कुछ ऐसे रिकॉर्ड मतलब कि जिनको रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, हम महा रिकॉर्ड बोलने चाहिए, क्योंकि जिनको तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल है भाई। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हम बात करेंगे जो मनी इन द बैंक में नहीं हुई तो भाई फैंस का जमकर गुस्सा फूटने वाला है। देखो भाई डरोली में इस समय ना अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें काम और उनकी ताकत ने सबको दहला रखा है तो वह पता ही आपको ब्लड लाइन है। और रोमन रेंस की लीडरशिप में उसोज के जुड़ने शुरू मतलब कि इस ग्रुप में सोलो सिकोआ जुड़ गए थे, पहले उसोज जुड़े थे ए, और इस ग्रुप का बिखराव पिछले साल समर स्लैम के बाद शुरू हो गया था और रेसलमेनिया 40 में तो बाद में ये पूरी तरह से बिखर गया था। और रोमन रेंस जब इस प्रीमियर लाइव इवेंट के बाद में रिंग से दूर हुए तो सोलो सिकोआ ने जिमी उसो पर रेसलमेनिया 40 के बाद में स्मैकडाउन के एपिसोड में जो टामाटोंगा ने डेब्यू करके उस पर हमला कर दिया था और इस ग्रुप से जिमी को बाहर निकाल दिया था। उन्होंने फिर बैकलैश में इस ग्रुप में टामाटोआ और टांगाटोआ को मतलब कि कर लिया और इसके बाद में जेकब फाटू भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। और इन सब ने ना मतलब इस वाले स्मैकडाउन में पॉल हेमन पर भी खतरनाक वाला हमला किया और उनको बाहर निकाल दिया। और फैंस इस बात इस समय ना रोमन रेंस की वापसी की गुहार लगा रहे कि भाई रोमन आ जा और अपने पॉल को संभाले गोलू मोलू को। और ऐसे हमें है ना हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनसे ब्लड लाइन की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए रोमन रेंस की वापसी भी करवाई जा सकती है। देखो सबसे पहले हम बात करें मनी इन द बैंक 2024 में ब्लड लाइन अपना मैच जीत सकती है। देखो भाई सोलो सिकोआ ने ना अभी स्मैकडाउन के एपिसोड में खुद को मतलब ग्रुप मेंबर्स को से एक्नोलेज करवाया था कि मेरे को भाई एक्नोलेज करो। उनकी लड़ाई ना इस समय रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के साथ में चल रही है वो टाइटल वाली। और इनका मतलब ये है कि मनी इन द बैंक में ना एक सिक्स मैन टीम टी मैच होने वाला है। सोलो अभी अपने हिल्टन के सबसे बड़े पल की शुरुआत कर रहे हैं और ऐसे में उनके ग्रुप का जितना एक अच्छा मतलब जितना बहुत अच्छा कदम होगा ना बहुत बड़ा कदम होगा, इससे ना उनके ग्रुप का दबदबा और बढ़ेगा, सभी उनको एक ताकत मानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्लाइन तीन बड़े नामों को हराकर आ रही है, इसके बाद में उनके डोमिनेशन का अगला चरण शुरू होगा। उनका दबदबा खत्म करने के लिए रोमन रेंस की वापसी भी कराई जा सकती है भाई। और बात करें हम डब्ल्यूडब्ल्यूई में बर्लाइन का खौफ का दौर शुरू हो सकता है। देखो ये हम मान सकते हैं कि बर्लाइन मनी इन द बैंक में अपना मैच जीत सकती है, इससे मतलब उनका अहंकार बढ़ेगा और वह किसी को भी कुछ समझने से इनकार कर देंगे, वो कुछ नहीं समझेंगे पहले की तरह, वह लोगों पर अटैक करेंगे, फिर चाहे वह कोई सुपरस्टार रेफरी हो या फिर निक एंडिस हो क्यों कुछ भी हो भाई, और इस स्थिति से ना निपटने के लिए जो भी प्रयास करेगा वो हार सकता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लडलाइन का खौफ का दौर शुरू हो जाएगा। ये ऐसा समय हो सकता है जहां मतलब चीज़ें सोलो सिकोआ के हिसाब से होने लग जाएंगी। फैंस भी हैरान होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और उनके जो प्रिय हैं सबसे रोमन रेंस आखिर अब तक वापस क्यों नहीं आए हैं। जब सोलो के ग्रुप का ना मतलब कि कहर बढ़ेगा और कोई रोकने वाला नहीं होगा तो एक समय में फैंस रोमन रेंस की उम्मीद खो देंगे और सोलो की बात सच मानने लग जाएंगे। इसे है ना आधार पर रोमन रेंस कभी वापस नहीं आने वाले इस आधार से तो, और बाद में जब रोमन आएंगे तो फैंस की खुशी दोगुनी हो सकती है। और ब्लडलाइन पर हमला हो और डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस की वापसी देखने को मिले, सोलो और उनका ना ग्रुप जब मानने लग जाएगी कि अब कोई नहीं रोक सकता तो उसके बाद एक ऐसा वीडियो सामने आ सकता है जिससे उनके ग्रुप का कोई मेंबर जमीन पर चित पड़ा होगा, उसको देखकर भाई मतलब नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है वो नाराज भी हो सकते हैं। इससे अलग अलग मतलब कि जाकर पूछने के बजाय उनको एंट्रेंस पर बुलाकर ये पूछ सकते हैं कि किसने ऐसी गलती करने की हिम्मत की है भाई। जब कोई भी इनका जवाब नहीं देगा तो सोलो और उनके ग्रुप मेंबर गुस्सा हो सकते हैं और वो स्टेज पर जाकर अटैक करने के लिए रिंग में मतलब बाहर आ सकते हैं। उसी समय रोमन रेंस का थीम सॉन्ग बजेगा और यह देखकर भाई सभी लोगों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। वह अकेले नहीं आएंगे भाई क्योंकि रोमन के साथ में उसोज भी आ सकते हैं और यह दोनों सोलो के ग्रुप से भिड़ सकते हैं। इस दौरान ना सोलो का ग्रुप रोमन की मतलब पर बढ़त बन सकता है क्योंकि उनके पास चार मेंबर है। जब सोलो को लगेगा ये वह जीत जाएंगे तो उसी समय फाइनल बॉस का थीम सॉन्ग बज सकता है
और फिर जो होगा वो सिनेमा होगा भाई। जेउसो को भी है ना इनकी जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इनको भाई। देखो रोमन रेंज को ना जेउसो को जबरदस्ती ब्लड लाइन में शामिल करने की कोशिश करना, इससे कुछ गलतियां हो सकती है ना। देखो भाई जब रोमन रेंज समरसलेम 2024 में वापसी के बाद में नया ब्लड लाइन तैयार किया था तो उन्होंने जेउसो को फैक्शन में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया था, और जे ने पिछले साल रोमन रेंज की हरकत से तंग आकर ब्लड लाइन को अलविदा कह दिया था। अगर रोमन रेंज को सोलो सिकुआ से बदला लेना है तो उन्हें मेन इवेंट जेउसो की जरूरत पड़ने वाली है। हालांकि अगर ट्राइबल चीफ पिछली बार की तरह जेउसो को ब्लड लाइन में जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश करते हैं तो इनसे इनकार भी कर सकते हैं, और देखा जाए तो स्मैकडाउन में सोलो सिकुआ द्वारा की जा रही मनमानी का अंदाजा आप लगा सकते हो। और यही कारण है कि अगर रोमन रेंज वापसी के बाद में मेन इवेंट जेउसो से माफी मांगकर उन्हें अपने साथ आने का अनुरोध करते हैं तो संभावना ज्यादा हो जाएगी कि वो एक बार फिर ब्लड लाइन ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएं। और भाई जरूरी दिक्कत रोमन रेंज का जिमी उसो को राइट हैंड बनाना। देखो जेउसो एक वक्त ब्लड लाइन में रोमन रेंज के राइट हैंड हुआ करते थे, जैसा कि हमने बताया कि जे ने पिछले साल ब्लड लाइन का साथ छोड़ दिया था। हालांकि जिमी उसो रेसलमेनिया 40 के बाद में रोमन के ब्रेक पर जाने के बाद में फैक्शन का हिस्सा बने थे, यही कारण है कि संभव है कि रोमन रेंज ब्लड लाइन का रीन्यून कराने के बाद में जिमी का अपना राइट हैंड बना सकते हैं। हालांकि जे उसो इस रोल में ज्यादा बेहतर काम करते हैं, वहीं अगर जे का राइट हैंड नहीं बनाया जाता है तो उन्हें लगेगा कि रोमन रेंज उन्हें अपने फायदे के लिए ब्लड लाइन में वापस लेकर आए हैं। और भाई देखो रोमन रेंज का ना सेमी जेन को अपने फैक्शन का हिस्सा बनाने का मौका नहीं देना। देखो भाई सेमी जेन स्मोन फैमिली से नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी रोमन रेंज के ब्लड लाइन फैक्शन का हिस्सा बनने का मौका मिला था। सेमी जेन ने ब्लड लाइन मेंबर के रूप में सभी को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। देखो अगर रोमन रेंज ने ना सेमी जेन को उस टाइम मजबूर नहीं किया होता तो सेमी जेन है ना अपनी मर्जी से कभी भी इस फैक्शन को नहीं छोड़ने वाले थे। और देखा जाए तो इस वक्त ब्लड लाइन में है ना मतलब कि 4 सुपरस्टार मौजूद है उनमें। अगर रोमन रेंज को सोलो सिकुआ के फैक्शन का नंबर के मतलब कि एडवेंस खत्म करना है तो उन्हें उस सोच के साथ सेमी जेन को भी अपने फैक्शन का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर सेमी जेन एक बार फिर ब्लड लाइन का हिस्सा बनते हैं तो ना केवल सोलो सिकुआ के फैक्शन से बदला लेने में मदद मिल सकती है बल्कि वो एक बार फिर ब्लड लाइन के सेगमेंट को काफी एंटरटेन कर सकते हैं भाई। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मैं ऐसी चीजें भी आपको बताने वाला हूँ कि रोमन रेंज के ऐसे महा रिकॉर्ड हैं उनको तोड़ पाना काफी मुश्किल है, तो चलो मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ। देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे बड़े रोमन रेंज अभी बन चुके हैं और मॉडर्न एरा में उन्होंने जो किया है वो शायद ही कोई दूसरा रेसलर कर सकता है। और पिछले 4 साल से तो रोमन बहुत ही ज़्यादा शानदार काम कर रहे हैं और वो 1316 दिनों तक चैंपियन रहे। इस दौरान कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए। पूरी दुनिया में रोमन रेंज के फैंस हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रोमन रेंज ने आज तक कई रिकॉर्ड बनाए और कई तोड़े हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से नया मुकाम कंपनी में हासिल किया है। रोमन रेंज द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जिनका टूटना काफी मुश्किल लग रहा है, तो भाई हम पहले रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कोई भी है ना मतलब कि 3 दलू दिग्गजों को नहीं हरा सकता है, समझे आप। देखो मैं नाम ले रहा हूँ ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर और ट्रिपल एच का, जो मतलब कि एक बहुत बड़ा नाम है। अंडरटेकर और ट्रिपल एच रिटायरमेंट ले चुके हैं भाई, और ब्रॉक लेसनर लंबे समय से एक्शन से मतलब दूर नजर आ रहे हैं। वो अभी रिंग में नहीं आते हैं, वो जब कांड हुआ था ना उसके बाद में नहीं आए हैं। और इन 3 सुपरस्टार का रोमन रेंज से हरा भी चुके हैं। रोमन रेंज के अलावा ये कारनामा आप कोई नहीं कर पाएगा। ये रोमन का एक नया रिकॉर्ड है और मतलब ऐसा रिकॉर्ड है जिनका टूट पाना ना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। और ब्रॉक लेसनर बहुत जल्द वापसी करेंगे, उनका अन्य स्टार हरा सकते हैं उनको। और अंडरटेकर और ट्रिपल एच अब है ना इन रिंग एक्शन से शायद कभी नजर नहीं आने वाले हैं, तो अब किसी भी स्टार के लिए इन तीनों दिग्गजों को हरा पाना मुश्किल है। और ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया में कुछ इवेंट में हरा चुके हैं उनको। देखो दूसरी तरफ है ना अंडरटेकर और हम द गेम को भी रेसलमेनिया में मात दे चुके हैं वो। और बात करें हम देखो 3 बार डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के मेन इवेंट में टाइटल रिटेन भी कर चुके हैं। देखो भाई फ्यूचर में है ना कोई भी सुपरस्टार रेसलमेनिया के मेन इवेंट कर सकता है, लेकिन 3 बार टाइटल रिटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। और मॉडर्न एरा में रोमन रेंज ये कारनामा कर चुके हैं और उनका ये रिकॉर्ड शायद ही कभी टूट पाएगा। देखो रेसलमेनिया 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, मेन इवेंट में रोमन रेंज अपना टाइटल रिटेन कर चुके हैं। और 37 में रोमन रेंज ने एज और डेनियल ब्रायन को हराकर अपने टाइटल को रिटेन किया था, और 38 में उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराकर अपने उनकी वो चैंपियनशिप थी यूनिवर्सल चैंपियन वो जीती थी। और रेसलमेनिया 39 में उन्होंने कोडी रोड्स के खिलाफ
अपना टाइटल को रिटेन किया था। और भाई रोमन रेंस सबसे ज्यादा समय तक यूनिवर्सल चैंपियन बने रहना भी उनके लिए काफी बड़ी बात है। रोमन रेंस का ये रिकॉर्ड भी आगे अब तक शायद ही कोई तोड़ पाएगा। देखो रोमन रेंस ने समरसलैम 2020 में ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन को हराकर ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने नाम की थी। इसके बाद इनका टाइटल रन जबरदस्त रहा और 1316 दिन तक वो चैंपियन रहे और इस दौरान उन्होंने कई दिग्गजों को हराया। और रेसलमैनिया 40 में इस साल रोमन रेंस की बादशाहत को कोडी रोड्स ने खत्म कर दिया भाई। और फ्यूचर में इतने लंबे समय तक किसी रेसलर का चैंपियन रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अपने आप में रोमन रेंस ये रिकॉर्ड है भाई, ऐसा रिकॉर्ड है जिन्हें तोड़ पाना मतलब कोई सोच ही भी नहीं सकता इसके बारे में। और रोस्टर में इस समय कोई भी ऐसा रेसलर मौजूद नहीं है जिसके ऊपर कंपनी इतने लंबे समय तक भरोसा रखेगी। तो भाई आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई रेसलर आने वाला है और क्या ये बर्डलाइन की जो वापसी की दिक्कतें हो रही है क्या ये सही होने वाली है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और ये मतलब बर्डलाइन की मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरह से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाली है और ये स्टोरी लाइन किस तरह से आगे बढ़ सकती है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। वो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।